Friend, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad online classes. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Dear student, today I will teach you class 2, subject science, unit 3, lesson 8, air around us, part 2 in revision period. प्रिय बच्चों, इससे पहले मैंने भाग एक पढ़ाया आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को भाग दो पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं भाग एक में आप लोगों को क्या पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैं दे देना चाहता हूं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा एयर कंटेन्स डस्ट, यानी हवा में धूल होती हैं। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हवा में जल वाष्प होता है। एयर कंटेन्स जर्म्स इन इट, यानी कि हवा में कीटाणु होते हैं। लेकिन आज मैं पार्ट दो में आप लोगों को बताऊंगा एयर कंटेन्स स्मोक, यानी कि हवा में धुआं होता है। कहा गया है स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कार्बन पार्टिकल्स, यानी कि हवा में जो धुआं होता है उसमें क्या क्या होते हैं, हवा के धुओं में कार्बन पार्टिकल्स और गैसेस होते हैं। यानी कि हवा में धुआं होता है, धुआं गैसों और कार्बन कणों पार्टिकल्स कणों का मिश्रण है। दैट राइज फ्रॉम द फायर इनटू द एयर, जो हवा में आग से उठता है, जो आग लगाते हैं हम अपने घरों में, उससे से जो धुआं निकलता है वो सब कहाँ जाता है, हवा में ही मिक्स हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। चिमनी ऑफ हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, स्मोक पाइप्स ऑफ बसेस कार्स एंड अदर मोबाइल व्हीकल्स गिव आउट स्मोक इनटू एयर। चिमनी ऑफ हाउसेस, यानी कि घरों से निकलने वाले जो चिमनी होते हैं, कारखाने, बसों, कारों और अन्य मोबाइल वाहनों से धुएं पाइप के द्वारा निकलते हैं। ठीक है, कहा गया है दिस स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर, यानी कि धुआं क्या है, यह धुआं हवा को अशुद्ध बनाता है। इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, अशुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अशुद्ध वायु हमारे साथ क्या पड़ता है, हमारे शरीर को स्वास्थ्य पे नुकसानदायक पहुंचाता है। इसलिए कहा गया है अशुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगला है एयर हैज डायरेक्शन, यानी कि हवा में दिशा होती है। एयर ब्लोस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी हवा एक विशेष दिशा में बहती है। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज स्वे इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर, कहा गया है ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की शाखाएं किस दिशा में बहती है, हवा की दिशा में पेड़ों की शाखाएं बहती हैं। काइट्स फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, पतंग हवा की दिशा में उड़ती है, जिधर हवा आ रही उसके फिर दिशा में क्या उड़ती है, पतंग उड़ती है। सेल बोट्स सेल इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, पाल नाव हवा की दिशा में जाते हैं या फिर रवाना होते हैं। तो ये रहा हवा का डायरेक्शन। अगला है विंड, यानी इसे हम पवन कहते हैं। वी कैनॉट सी एयर, हम वायु हवा को नहीं देख सकते, बट लेकिन वी कैन फील एयर वाइल रनिंग साइकिलिंग और स्विंगिंग,
हम हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। कब? जब हम रनिंग दौड़ते हैं, साइकिलिंग साइकिल चलाते हैं और स्विंगिंग यानी कि झूला झूलते हैं, उस समय हम हवा को महसूस कर सकते हैं। एयर कैन मूव, हवा चलती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई या बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। अगला है ब्रिज, जिसे आंधी भी कहा जा सकता है। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रिज, यानी धीरे से चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं? ब्रिज यानी आंधी कहते हैं। ब्रिज मेक अस फील कूल इन समर, यानी कि हवा जो चलती है, हवा गर्मियों में ठंडक का एहसास कराती हुई। इट्स मेक अस हैप्पी, ठंडक का एहसास कराता है, यह हमें खुश करता है। जब गर्मी लगी हो होती हो, अगर हवा चले तो अच्छा फील्स महसूस होता है। इसने कहा गया है इट मेक्स अस हैप्पी। अंदर ऑनली स्टॉम्स, यानी कि जिसे हम तूफान भी कहते हैं। स्टॉम्स कैन कॉज डैमेज टू अस, यानी कि तूफान आदि हमें क्या पहुंचाती है? बहुत पौधों नुकसान पहुंचाती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कहा गया तूफान हमें पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। इट कैन अपरूट द ट्रीज एंड लैम्प पोस्ट एंड ब्लॉ एवरीथिंग सच एज रूफ्स ऑफ द कच्चा हाउसेस। कहा गया है तूफान हमें जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। इट कैन अपरूट द ट्रीज, यह पेड़ और पोस्ट जो दीपक के जो लैम्प पोस्ट होते हैं जो सड़कों पे, उसे क्या करती है? उखाड़ देती है और कच्चा घरों की छत जैसी हर चीज़ों को उड़ा सकता है या उड़ा देता है। रूफ्स ऑफ द कच्चा हाउस, यानी कच्चा घर की छतों को। लैम्प पोस्ट जो रोड साइड में रहते हैं दीपक के पोस्ट, उनको ट्रीज अपरूट द ट्रीज यानी कि जड़ सहित पेड़ को उखाड़ देते हैं, तो इसलिए तूफान बहुत हानिकारक होता है। यूसेस ऑफ विंड, यानी पवन के उपयोग। विंड हेल्प अस इन मेनी वेज, यानी पवन हमें अनेक प्रकार से सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। विंड इज यूजफुल टू ऑल, यानी पवन हम सब की आवश्यकता है। विंड हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स, यानी कि पवन के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने कपड़े, उसकी मदद से हम अपने कपड़े सुखाते हैं। विंड हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स, हवा में हम पतंग उड़ाने, यानी हवा हमें पतंग उड़ाने में मदद करती है। विंड हेल्प्स टू मूव सेलिंग बोट, हवा नौकायान नावों को स्थानांतरित करने में मदद करती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए मदद करती है। विंड हेल्प्स टू अस मेक अस फील कूल, यानी कि हवा जो है हमें ठंडा रखने में भी मदद करती है। विंड हेल्प्स प्लांट सीड्स टू ट्रैवल, यानी कि हवा जो है पौधों को बढ़ने में मदद करती है। विंड हेल्प्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, पवन से पवन चक्कियों द्वारा बिजली बनाने में मदद करती है। तो हवा के ये रहे उपयोग, यूजफुल ऑफ विंड। अंदर ऑन फ्रेश एयर, यानी कि ताज़ा हवा। द एयर दैट वी ब्रीथ, जो हवा हम जिस हवा से हम सांस लेते हैं, शुड बी फ्रेश एंड क्लीन, वह ताज़ा और साफ होना चाहिए। वी मे फॉल इल इफ वी कीप ब्रीथिंग डर्टी एयर, हम जब हवा साफ ताज़ा और साफ हवा से सांस नहीं लेंगे, अगर हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ग्रोइंग ट्रीज ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स
मेक एयर क्लीन एंड फ्रेश, यानी कि कहा गया है बढ़ते हरे पौधे हवा को स्वच्छ और ताज़ा बनाए रखती है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हमें स्वच्छ और ताज़ी हवा प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा लेसन 8 विंड अराउंड अस पार्ट 2। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।